दोस्तों नमस्कार, मैं एडवांस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजकिशोर। आज हम बताएंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसको आप अपने घर से स्टार्ट करके बहुत कम इन्वेस्टमेंट में और महीना में आराम से 2 से 2.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात बताते हैं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और राइट साइड में बेल का आइकन होगा उस पर जरूर क्लिक कर दे ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों हम इस बिजनेस को करने के लिए आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल से बताएंगे कि इसमें कौन कौन से मशीन की जरूरत होगी, इसका प्रोडक्शन किस तरह से किया जाता है। आपको हम लाइव दिखाएंगे किस तरह से प्रोडक्शन किया जाता है, यानी ये प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। इसके बाद इसमें कितना इन्वेस्ट होगा, इससे कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, प्रॉफिट रिपोर्ट के माध्यम से बताएंगे। और ये मशीन कहाँ से खरीदेंगे, इसके लिए कौन कौन सा लाइसेंस बनवाना होगा, ये सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों ये बिजनेस है पापड़ मेकिंग का बिजनेस है, यानी पापड़ को बना के और आपको सेल करना है। दोस्तों हो सकता है आपको बिलीव नहीं होता होगा इस छोटा सा बिजनेस से इतना कैसे प्रॉफिट कर पाएंगे। तो दोस्तों बिलीव कीजिए, आपको हम बता रहे हैं किस तरह से काम करना है, कौन से मशीन के लिए खरीदना है। तो दोस्तों देखिए, आपको हम इस वीडियो में 4 तरह के मशीन के बारे में बताने वाले हैं, लाइव दिखाने वाले हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। आपको हम इस वीडियो में चारों मशीन से एक एक करके किस तरह से प्रोडक्शन किया जाता है इस वीडियो में लाइव बताएंगे, और उसका प्राइस क्या है और उसका जो है कैपेसिटी यानी 1 घंटा में कितना पापड़ तैयार कर सकता है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये मशीन, इससे आप लगभग 1 घंटा में 800 से 1000 पीस पापड़ तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको जो है जो जिस चीज का आप पापड़ बनाना चाहते हैं, जैसे कि चावल का या फिर दाल का, उसको मिक्स करके और इस मशीन पे डालना पड़ता है मिक्स करके, और इसके बाद उसका जो गोला बना के थोड़ा उसको पतला करके और जो पापड़ के शेप में थोड़ा हल्का करके और उस मशीन में डालना पड़ता है। तो आप इस मशीन से पर आवर 800 से 1000 प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों जहां तक बात है इसकी प्राइस की, तो लगभग इसका प्राइस 20 से 25 हजार रुपया है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं दूसरे मशीन के बारे में। ये दूसरा मशीन है, इसमें भी उसी तरह से प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें बस सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है कि आपको ये जिस चीज का आप पापड़ बनाना चाहते हैं उसका गोला बना के सिर्फ इसमें डाल देना होता है, और उधर से होकर घूमकर आता है और इधर होकर और आप इधर से बाहर से निकालते जाते हैं। देख रहे हैं ना आप किस तरह से इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो दोस्तों उस मशीन के कंपैरिजन में इससे आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। 1 घंटा में इससे आप लगभग 1200 से 1500 पीस प्रोडक्शन कर सकते हैं इस मशीन के माध्यम से। दोस्तों इसका जहां तक बात है प्राइस की, तो प्राइस लगभग 1 लाख रुपया इसका प्राइस है। दोस्तों अब तीसरा मशीन के बारे में बात कर लेते हैं कि इससे किस तरह से प्रोडक्शन किया जाता है। ये तीसरा मशीन है, इसमें सिर्फ आपको जिस चीज का आप पापड़ बनाना चाहते हैं, अगर आप चावल का बनाना चाहते हैं तो चावल का या फिर दाल का, उसको मिक्स करके यानी गोंद करके मिला के और इस मशीन में लगा दिया जाता है। ऑटोमेटिकली जो है ये मशीन तैयार कर देती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रोल एक नच रहा है जिसमें जो है घूम रहा है, इसमें डाई लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली पापड़ जो है कट के इस साइड निकल जाता है और बाहर दूसरा साइड जो है पापड़ हम लोग निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है प्रोडक्शन उतना ही होता है, लगभग 800 से 1000 पीस प्रोडक्शन होता है, बट इसमें जो है आपको मेहनत कम लगेगा। आपको इस मशीन में गोला बना के और डालने की जरूरत नहीं होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो है कट कर देती है पापड़ को, सिर्फ आपको उस रॉ मटेरियल को मिक्स करके और इसमें डाल देना होता है और पापड़ जो है ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है डाई के माध्यम से। दोस्तों जहां तक बात है इसकी प्राइस की, तो लगभग इसका प्राइस 1,40,000 के अप्रोक्स आ जाता है। अलग अलग क्वालिटी की मशीन आप लेंगे तो अलग अलग प्राइस होगा। कुछ मशीन ऐसा होगा जो 1,30,000 35,000 मिल जाएगा, कुछ मशीन ऐसा होगा जो 1,50,000 45,000 मिलेगा। तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप चाहे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं चौथा मशीन, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है और साथ में ड्रायर भी है, यानी सुखाने वाला भी, पापड़ को सुखाने वाला भी। वो सब जितने भी हम बनाए हैं उसमें पापड़ को सुखाने की जरूरत होगी, सुखाएंगे अपना मैनुअल सुखाना पड़ेगा, और उस मशीन जो हम अभी बता रहे हैं उसमें ऑटोमेटिकली पापड़ जो है सुखाया जाता है, इलेक्ट्रिक ड्रायर उसमें लगा हुआ है। तो उसका प्राइस उस सब मशीन यानी अभी तक जो 3 ठो मशीन बताए हैं उस सब से ज्यादा
है और इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ज़्यादा है और ऑटोमेटिकली इसमें ड्राई हो जाता है, आपको मैनुअल सुखाने की जरूरत नहीं होगा। ये फुल्ली ऑटोमेटिक पापड़ मेकिंग मशीन विथ ड्रायर मशीन है, यानी इसमें इलेक्ट्रिक ड्रायर लगा हुआ है। देखिए इस तरह से जो है पापड़ रोल चल रहा है और आगे प्रोडक्शन हो रहा है, आगे की ओर जो है पापड़ जा रहा है और आगे जो है वहाँ से उसमें जो कटिंग हुआ वो सब बाहर नीचे चला जाता है और ये पापड़ जो है आगे इलेक्ट्रिक ड्रायर मशीन, ये जो है इलेक्ट्रिक ड्रायर मशीन है उसमें जाता है और आगे जाकर और नीचे की ओर जो है पापड़ गिर जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हम मशीन में ये जिस चीज़ का पापड़ हम बनाना चाहते हैं वो डालें और आगे देखिए जा रहा है, यहाँ कटिंग हो रहा है, यहाँ कटिंग होने के बाद वहाँ जो इसका जो वेस्ट है यानी जो खराब हो जाता है वो नीचा गिर जाता है और पापड़ जो है आगे चला जाता है ड्रायर में, इलेक्ट्रिक ड्रायर, ये इलेक्ट्रिक ड्रायर है, इसमें जो है ड्राई होता है और ये पापड़ नीचा गिर जाता है, इसमें ड्राई करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों ये रेडी टू यूज बना देती है ये मशीन ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों इसका कैपेसिटी जो है लगभग 1500 से 2000 पीस पर आवर है और इसका प्राइस लगभग 2.5 लाख रुपया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, हम जो मशीन के प्राइस बताए हैं वही आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, अदर जो है इसमें एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ आपको आप जितना रॉ मटेरियल खरीदेंगे और प्रोडक्शन करेंगे उतना आपको इन्वेस्ट होगा और मशीन में इन्वेस्ट होगा, जो कि आपको हम बता दिए हैं मशीन और उसका प्राइस और उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसे प्रॉफिट कितना कर सकते हैं। दोस्तों देखिए बड़ा मशीन जिसमें ड्रायर सेट है इलेक्ट्रिक ड्रायर, उससे आप जो है एक महीना में 2,88,000 रुपया कमा सकते हैं। देखिए आपको हम बता रहे हैं, देखिए प्रोडक्शन इन 1 आवर, 1 घंटा में इससे जो है 1500 से 2000 पीस पापड़ तैयार होता है, तो मान लेते हैं कि 1500 पीस ये जो है तैयार करती है, तो एक पापड़ पे आपको लगभग प्रॉफिट जो है 80 पैसा हो जाता है। अलग अलग तरह के पापड़ पे अलग अलग तरह का होता है, जैसे कि दाल का आप अगर पापड़ बनाते हैं तो उससे जो है ज़्यादा, इससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसके बाद प्रॉफिट इन 1 आवर जो है आपको देखिए 1 घंटा में आपको कितना होगा, 1500 ये पीस अगर आप पापड़ बना देते हैं 1 घंटा में, कम से कम तो 1500 इससे बनता ही है, तो आपको 1500 को 80 पैसा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 रुपया होता है 1 घंटा का, 1 घंटा में आप 1200 रुपया इससे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो एक दिन में आप कितना प्रॉफिट कर लेंगे, प्रॉफिट इन 1 डे यानी अगर आप 8 घंटा काम करते हैं तो 1 घंटा में 1200, तो 8 घंटा में लगभग 9600 रुपया कमा पाएंगे, और इस तरह से अगर आप 1 महीना काम करते हैं तो 30 दिन होता है 1 महीना में, 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 9600 से, तो 2,88,000 रुपया जो है होता है, यानी 1 महीना में आप 2,88,000 रुपया कमा सकेंगे। ये इलेक्ट्रिक ड्रायर वाला जो मशीन है जिसका प्राइस लगभग 2.5 लाख के आसपास होता है उससे। और दूसरा जो है बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं छोटा वाला जो मशीन हम बताए थे जिसका प्राइस है 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में, उससे कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए उसका भी कैपेसिटी उतना ही है, 800 से 1000 पीस पर आवर उसे प्रोडक्शन कर सकते हैं, मान लेते हैं 800 पीस आप पर आवर प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो एक पापड़ पे आपको प्रॉफिट होता है इसमें भी उतना ही 80 पैसा, तो 1 घंटा में आप 800 कम से कम तो आराम से तैयार कर देंगे पापड़, तो 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 पैसा से, लगभग 640 रुपया 1 घंटा का होता है। इस तरह से अगर आप एक दिन में 8 घंटा काम करेंगे तो 640 × 8 यानी 5,120 रुपया आप 1 घंटा में इससे प्रॉफिट कर पाएंगे। इस तरह से अगर आप 1 महीना काम करते हैं यानी 30 दिन काम करते हैं तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 5,120 से, तो लगभग 1,53,600 रुपया, मान लेते हैं 3,000 उधर जाएगा या फिर 20,000 इसमें खर्चा हो जाएगा, तब भी आप इस मशीन से जो है 1,30,000 रुपया कमा सकते हैं, ये छोटा मशीन से, और बड़ा मशीन से जो है 2,88,000 रुपया होता है, तो कम से कम तो आप 2.5 लाख रुपया, 2 लाख 2.5 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों बस आप जो प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसको मार्केटिंग करना आना चाहिए, मार्केटिंग आप जितना अच्छा से करेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्शन कर लेंगे और
सेल हो जाएगा। आपको उसे सेल करना होगा, बहुत मेहनत करके आपको उसे सेल करना होगा। सेल करने के लिए आपको बता देते हैं कहाँ सेल करना। देखिए, आप अपने आसपास जो है होलसेलर को दे सकते हैं, पहले उसको पैकेजिंग कीजिए। दोस्तों, आपका पैकेजिंग जितना अच्छा होगा प्रोडक्ट उतना सेल होगा, और पैकेजिंग के साथ साथ आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट और पैकेजिंग अच्छा है तो आपका ब्रांड मार्केट में चल जाएगा और आप इससे लाखों रुपया कमा सकते हैं हर महीना। तो दोस्तों, अब आप पैकेजिंग करके इसे मार्केट में सेल कीजिए। पैकेजिंग मटेरियल ऑनलाइन जो है इंटरनेट पे आके, गूगल पे आके सर्च कर लीजिए, पैकेजिंग मटेरियल प्रोवाइडर जो है उनसे कॉन्टेक्ट करके पैकेजिंग मटेरियल जो है आप ले सकते हैं, या फिर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके उनसे पैकेजिंग मटेरियल ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये मशीन कहाँ से खरीदेंगे। मशीन खरीदने का जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके और मशीन खरीद के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका ट्रेनिंग कहाँ मिलेगा। दोस्तों, ट्रेनिंग आप जहाँ से मशीन लेते हैं वो आप लोग को दे देते हैं ट्रेनिंग। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इस मशीन को लगाएंगे तो इसके लिए कौन कौन से लाइसेंस बनवाने होंगे। दोस्तों, आप एक उद्योग आधार में रजिस्टर करवा लीजिए, और दूसरा आप फसाई करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड प्रोसेसिंग का लाइसेंस देती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस आप बना लीजिए। बस आपको इतना ही बनाना है और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।